अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यू मुगल नगीना गौड़ पखरा मंडी से। जी व्यूअर्स, क्या हाल है? नाइट व्यू है, बर्दाश्त कीजिएगा। जैसा भी रिजल्ट आए वीडियो का उसको कबूल कर लीजिएगा। एक्चुअली ये है कि बस इधर जानवरों के साथ लगे हुए थे, तो मैंने कहा चले आज थोड़ा सा आपके साथ ज़रा गुफ्तगू करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो दे देते हैं। अरसा ही हो गया अपने चैनल पर, कभी अब तो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लगी नहीं है। तो ऐसा है कि दोस्तों आजकल जानवर जो है ना, मौसम की तब्दीली की वजह से जो खांसी वगैरह कर रहे हैं उसमें ये टाइलिन 20% ये इम्पोर्टेड इंजेक्शन है। एक ये हो गया, या टाइजेंट के नाम से आता है वो भी है। तो ये इंजेक्शन काफ़ी अच्छे हैं, इनके साथ जो है ना ये जानवर को लगाने से जो है ना इनकी खांसी वगैरह के जो मामला आजकल स्टार्ट हुए हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले आपसे गुफ्तगू करते हैं कि ये टाइलिन और टाइलिन 20% जो है ये इम्पोर्टेड इंजेक्शन है, और टाइसिन जो है वो भी आता है, टाइजेंट भी आता है। टाइजेंट का भी रिज़ल्ट अच्छा है, वो लोकल है लेकिन अच्छा रिज़ल्ट है, कंपनी अच्छी है, तो वो ट्राई कर लें। खांसी जानवर को हो, अगर 5-6 महीने का बच्चा है तो उसको टाइजेंट जो है वो आप लगा सकते हैं, कोई 2-2.5 cc लगा लें, मैक्सिमम 3 लगा लें, और 8-10 महीने का हो 4 लगा लें, साल से ऊपर या साल का हो 5-6-7 cc, इस तरह डिवाइड आप कर सकते हैं। तो आएँ जी, ये है जी हमारा नंबरदार, ये नंबरदार से मिलें, इसके शरारतें चेक कर लें। नंबरदार की वीडियो जो है वो चैनल्स पे चल रही है, जिस तरह के वो यासर भाई, यासर शामी भाई बना के लेके गए, उन्होंने डेली पाकिस्तान पे लगाई, विलेज इन्फो वाले भाई हैं उन्होंने लगाई, HSN वाले भाई हैं वो अपने हसन वकार साहब, उन्होंने भी बनाई है वीडियो, भी लगाएंगे, जरनाब ने भी लगाई। तो ये बताने का मकसद ये है कि नंबरदार आपसे मुतारफ है, हो चुका हुआ है, इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी हरकतें हैं वो मुझे तो सूट नहीं करती हैं, लेकिन क्या करूं। अच्छा जी चलो, और बस शरारत नहीं करनी, ठहर जाओ भाई, चलो अंदर ही रहो। तो ये है जी हमारा नंबरदार साहब है, चल मेरा बेटा, बस 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 बस। और ये है जी नवाब, ये नवाब पीछे जा रहा है, माशाल्लाह बहुत हेल्दी, दो दांत में बकरा है, बहुत ही कमाल की फिटनेस है उसकी भी। यार ना करो ऐसे, ना करो मैं मारूंगा। ये आज की वीडियो हमारा आप एक व्लॉग ही समझ लीजिएगा यार, ये देख रहे जी ये तंग करता है। हट जा यार, भी मैं डंडा पकड़ लूंगा। मारूंगा, ये देख मारूंगा मैं गंदा। ले जी ये रानी है, रानी को भी देखें जी, ये आवाज आ रही है, मैं फैन बंद करता हूँ ताकि जरा आवाज कम हो। ये रानी है जी, हाँ जी लाडो, ये लाडो रानी है जी, खाली रानी नहीं है, लाडो भी है हमारी है। इधर आओ, क्या हो रहा है? ये हमने जानवर रखा है जी माशाल्लाह, ये अपने शॉप के लिए इसके कराई है क्रॉस, ये हमने अपने नंबरदार से, वो हमारा कुकड़ियों का शौक। आज आपसे हम बस वीडियो नहीं बना रहे, आप समझ लें कि एक व्लॉग ही है, बस दिल किया कि आपको वीडियो देते हैं तो वो दे रहे हैं। ये वाइट जो है ना, हमने एक दुम्बा रखा है, छोटा भी बच्चा है, हाँ भी बबलू, ये बबलू है, बबलू जो है ना माशाल्लाह काफी एक्टिव जानवर है। हाँ भी राडो रानी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये लाडो रानी है जी, अब देखते हैं इंशाल्लाह तो अल्लाह, आगे क्रॉस हुई है, अल्लाह खैर फरमाए, तो आगे के मामला चेक करते हैं क्या होते हैं। हमें इसका लाडोरा निकाल, दूध बबलू को पिलाया है, ये निकाल के पिला दो बेटा इसको, बबलू को पिला दो, बबलू मेरे आगे पीछे इसीलिए हो रहा है। ओए नंबरदार बाज आ जा, बाज आ जा, मैं पंखा चला देता हूँ ताकि यार ये। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू भी साथ हो रही थी खांसी के टॉपिक पे, तो खांसी में जो है ना जी, वो आपने पल्मोनोल सिरप है वो भी दे सकते हैं साथ आप जानवर को। ये शेरू तो दिखाया ही हमने, ओ शेरू जी, ये शेरू है, हाँ भी शेरू, नहीं डरो नहीं डरो नहीं, कुछ नहीं कहता मैं, कुछ नहीं कहता यार, वो दाना पड़ा हुआ वो इनको इधर रख देना था, तो उधर खा लेते हैं। चलो इसको जरा बाहर निकालो, हाँ भाई लो जी इसको बाहर ले आओ जी, ये मुझे अंदर नहीं खड़े हमें दे रहा जी, ये ले जी, हाँ जी चल गंदा चल,
मारूंगा मैं। बाज आ जा, देखे बाज आ जा। चले जी, ये ओ मैं दोस्ते ओ यार यार तू नहीं बाज आ जा जी। हम साहब आप क्या कर रहे हो? दफा हो जा, चल दफा हो जा ना, वो स्ट्राइक आएगी ना। बाज आ जा, ये देख लें जी, ये जो है ना ये चौधरी मुझे तंग कर रहा है, और ये अहमद साहब जो है जी वो बकरी का दूध निकाल रहे हैं, ठीक है जी। अब ये दूध जो है वो उसको हम बबलू को पिलाएंगे, और ये हमारा टॉपिक फिर बीच में रह जाता है। असल में यार आप इस तरह की ही वीडियो आया करनी है आपको, व्लॉग ही बना कर रहे। अच्छा ये ऐसा है कि जो खांसी की मैंने बात बताई थी उसमें टाइजेंट इंजेक्शन हो गया, और टाइसिन भी आता है, और वो जो टाइलिन मैंने आपको इम्पोर्टेड 20% बताया वो हो गया। उसके अलावा पल्मोनोल सीरप है, ये दिया जा सकता है। खांसी के और भी काफ़ी सीरप हैं, वो दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सब दोस्तों ने जो है वो जिस तरह यार ये इसको अलग कर लो यार। अच्छा जी, वो खांसी का सीरप है साथ में, वो दिया जा सकता है, और जानवर को जो है ना ड्राई वाटर भी आप दिया करें, उसके साथ भी काफ़ी मामला इनके खाने पीने के बेहतर रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपके साथ जो हमने शेयर करनी थी। आप सब दोस्तों ने भाइयों ने जो है ना वो जेन में रखना है। हमारे कुछ सेल वाले जानवर हैं, वो मैंने आपको दिखाया, शेरू है सेल में, नवाब है सेल में, और एक काला जो है ना सफ़ेद अबलग पांडा जो है वो है सेल में। वो अगर कोई दोस्त सेल वाली वीडियो मेरी इससे पहले लगी है वो देख लें, या मेरे से लहदा से वीडियो लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये मैं इंजेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, सीरप मैंने आपको बता दिया है, तो ये इनको आप जो है ना वो फॉलो कर लीजिएगा। तो मैंने पहले बताया आपको कि आप इस वीडियो को ज़रूर, जिन भाइयों को अगर मेरी बातें ना ठीक लगें, कोई इस तरह का मसला लगे, तो यार वो एडवांस में मुझे माजरत, मैं सॉरी करता हूँ कि मैंने ये वीडियो एक परमानेंट तरीके से नहीं बनाई, सिर्फ एक व्लॉग टाइप जैसे चलते फिरते वीडियो है वैसे बना दी है। तो इसमें आपको अपना शेड दिखाया है, और ये इसको हम शेरू को वो दूध पिला रहे हैं, वो कुछ खुद पी जाता है, और कुछ भी उसको सरिंज के साथ, बड़ी सरिंज है उसके साथ पिला देते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना वो हमारी इसी तरह की है, आप बर्दाश्त कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ काइंडली जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन वाली या वीडियोस आया करनी है उन तक पहुंच जाया करे। तो दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।